शासीपुरम स्थित बाबूजी चौराहे से कलवारी चौराहे तक रोड खराब पड़ी है। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। क्षति लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस पर नगर आयुक्त ने रोड को जल बनवाने का आश्वासन दिया है। आगरा कॉलेज और आरबीएस कॉलेज के दो प्रोफेसर हैं, जिनमें शास्त्रीपुरम स्थित अंसर कोटियार कॉलोनी में रहने वाले एक प्रोफेसर ने बताया कि बाबूजी चौराहे से लेकर कलवारी चौराहे तक की रोड खराब पड़ी हुई है। इससे आए दिन हादसे होते हैं। आगे के दिनों में मानसून आने वाला है, स्थिति और खराब हो जाएगी। हमारे सामने की जो रोड है, बाबूजी चौराहे से लेकर कलवारी चौराहा तक करीब 1.5 किलोमीटर रोड है, उसकी रोड की स्थिति अत्यंत खराब है। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होती है, बच्चों के वैन, महिलाओं की स्कूटी अक्सर वहाँ गिर जाती है, जिससे कई लोग चोटिल हो चुके हैं। तो माननीय नगर आयुक्त से आज हमने मिलकर के अनुरोध किया कि शासन की नीतियों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नीतियाँ है उसमें रोड प्राथमिकता में है, गड्ढा मुक्त सड़क उनकी प्राथमिकता में है। तो उस एरिया की सड़क को जो हमने दिया है बाबूजी चौराहे से कलवारी चौराहे तक का, गड्ढा मुक्त किया जाए। मैं भी अंसल कोर्टयार्ड का निवासी हूँ। हम और तिवारी जी साथ आए थे और वही रोड की समस्या है वहाँ, और रोज़ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वो बच जाए। पता चल रहा है कि अभी तक ये था, हम लोग एडीए में भी गए थे इसके लिए, लेकिन वहाँ से पता चला कि एडीए के पास ये सड़क नहीं है, ये नगर निगम के पास है, लिहाजा हम लोग यहाँ पे आए हैं। रोड खराब होने पर प्रोफेसर ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और सड़क को गड्ढा मुक्त कराने की मांग की। इस पर नगर आयुक्त ने सड़क को बनवाने के लिए आश्वासन दिया। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।